नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। देखिए, मैं इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था लेसन टू के बारे में, और लेसन टू में क्वेश्चन एमसीक्यू फिल्स ट्रू फॉल्स यानी ए बी सी को मैं करवा दिया था, और आज मैं डी आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन के बारे में आज निकालने जा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है, व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? मैं बुक को पढ़ाते समय भी बताया था व्हाट इज हैबिटेट, हैबिटेट क्या है। दी सराउंडिंग इन दिस एनिमल लिंग यानी जिस पर्यावरण में कोई भी जीव जंतु अपने आप को सिस्टमेटिक ढंग से बनाए रखता है या जीवित रहता है, एंड ग्रो आर कॉल्ड देयर हैबिटेट, बढ़ता है इसी को हम हैबिटेट कहते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, नेम द फाइव मेन हैबिटेट्स, पांच ऐसे हैबिटेट्स बताइए। फॉरेस्ट, माउंटेन, पोलर रीजन, ओशियन एंड सी आर द मेन फाइव हैबिटेट्स या मेन फाइव हैबिटेट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट मेक द बॉडी ऑफ बर्ड लाइक, चिड़िया का जो शरीर होता है वो किस प्रकार से चिड़ियों का शरीर हल्का होता है, क्या कारण है कि चिड़ियों का शरीर हल्का होता है और उसे हवा में उड़ने के लिए आसान होता है। तो इसमें आंसर क्वेश्चन है, व्हाट मेक द बॉडी ऑफ द बर्ड लाइक, चिड़िया को कौन सा ऐसा अंग है या चिड़िया का ऐसा क्या चीज है जिससे चिड़िया को हल्का बनाया जाता है, उसे बर्ड हैव हॉलो बोन, चिड़िया की जो शरीर की हड्डी होती है वो खोखलेदार होती है, दैट मेक देयर बोन्स बॉडी लाइट जिससे उसके शरीर हल्का होता है, इन वेट वजन में इस प्रकार हेल्पिंग देम टू फ्लाई उसे उड़ने में आसानी होती है या सहायता होती है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्केल्स ऑन द बॉडी ऑफ द रेप्टाइल्स, की बाकी जो प्राणी होती है उसके शरीर पर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो क्या कार्य करते हैं। आंसर है, द बॉडी ऑफ द रेप्टाइल्स जो भी के मच्छी प्राणी है, कीड़े मकोड़े को खाने वाले जानवर है जैसे स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड, छिपकली और कवर्ड विथ स्केल्स, उसके पूरे शरीर पे स्केल्स होते हैं, दिस हेल्प प्रोवाइड वाटर लूज फ्रॉम देयर बॉडी, वो अपने शरीर के माध्यम से ही वाटर को लूज करती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट आर द डिफरेंट, क्वेश्चन फाइव है, इसमें पूरा आंसर क्वेश्चन को नहीं लिखा हूँ, आप अपनी बुक से लिख लेंगे। क्वेश्चन पूरा है, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स, व्हाट आर द डिफरेंस ब्रीथिंग ऑफ द एनिमल्स। तो इसका आंसर में लिखा है, डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वे, विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं और अपना श्वसन क्रिया विभिन्न तरीके से करते हैं, सभी जानवर एक ही प्रकार से श्वसन क्रिया नहीं करते, जो भी जानवर है सबका अलग अलग अपना अपना तरीका होता है जिसके माध्यम से अपनी श्वसन क्रिया करते हैं। लिखवाए, डिफरेंट एनिमल ब्रीथ इन डिफरेंट वे, दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, और ये सारे जानवर ऐसे करते हैं, लेकिन हम जो है पेड़ पौधों के द्वारा जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी पेड़ पौधा जो है ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और हम लोग ऑक्सीजन को प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यानी हम जो छोड़ते हैं पेड़ पौधा लेता है और पेड़ पौधा जो छोड़ता है वो हम ग्रहण करते हैं, इस प्रकार से श्वसन क्रिया एक दूसरे पर निर्भर करती है।
ये फंक्शन क्वेश्चन पॉज मैं लिख पा रहा हूँ और फिर इसके अगले वीडियो में मैं इसके अगले क्वेश्चन को लिख पाऊंगा। तब तक के लिए।